जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने युवाओं से जो नौकरी का वादा किया था उस पर खरी उतरी है। पहली बार हुआ है कि सरकार ने 2 साल तक की भर्ती का कैलेंडर जारी किया है। इनकी परीक्षाएं तय समय पर होगी। वही 1,11,000 पदों पर 10 माह में नियुक्तियां दी गई है। राजस्थान की सरकार हरियाणा की सरकार की तरह बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी देने का काम कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही सिंडिकेट की बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने धरना दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय के बाहर धरना दे रहे कर्मचारियों ने बताया कि वह विश्वविद्यालय प्रशासन से समय पर पेंशन सहित सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को पूरी राशि एक साथ देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में कर्मचारियों ने सिंडिकेट सदस्यों को अपनी मांगों का ज्ञापन देने को लेकर कुलपति सचिवालय के सामने धरना दिया। जवाहर कला केंद्र की पारिजात आर्ट गैलरी में अशोक आत्रेय की प्राकृतिक नील की अनोखी 27 रूपाकारों की नक्षत्रीय कलाकृतियों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी संपन्न हुई। अशोक आत्रेय ने अपनी इन कलाकृतियों के विषय में बताया कि आकाश मार्ग से धरती पर उतरती नीलवर्णी परियों का अगर अमूर्त रूपांतरण कर दिया जाए तो हम नीलोद्भव की अवधारणा के नजदीक जा सकते हैं। इसे एक दूसरी तरह से भी सोचा जा सकता है कि हमारे चंद्रयान मिशन की गौरव गाथा को भी हम सतरंगी आभा में देखना चाहें तो वह अनुभूति 27 नक्षत्रों के धरती पर अवतरण के अंतरंग साक्षात्कार जैसा अनुभव होगा। त्रिवेणी नगर में हुई धर्म सभा में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का निर्णय लिया गया है। धर्मसभा में करीब 100 विद्वानों ने इस पर विचार विमर्श किया, जिसमें संस्कृत के सेवारत सेवानिवृत्त प्रोफेसर के साथ धर्मशास्त्री ज्योतिषाचार्य भी मौजूद थे। सभा के अध्यक्ष रामपाल शास्त्री ने कहा कि सभी की सहमति से दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया गया है। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी गुजरात के कुलपति प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी ने कहा कि राजमार्तंड ग्रंथ में कहा गया है कि लक्ष्मी की पूजा उस दिन करनी चाहिए जिस दिन कम काल में वृद्धि प्राप्त होती है। नासा के गणितीय आंकड़ों ने हमारे त्योहारों को समाप्त करने का कार्य किया है जिससे लोगों में भ्रम हुआ है और दीपावली 2-2 दिन मनने लग गई है। सुखेर थाना पुलिस ने बुजुर्ग के गले से सोने का लॉकेट चुराने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक महिला नवरात्रि में अलग अलग वेशभूषा में मंदिरों में घूमकर सोने की चेन तोड़ती है। इस पर बेदला माता मंदिर में बुजुर्ग महिला का सोने का लॉकेट तोड़ने के मामले में हाल रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी दुर्गा कालबेलिया को गिरफ्तार किया गया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।